हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ बोटॉक्स हेयर ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। और जो बोटॉक्स ट्रीटमेंट आज हम करने जा रहे हैं वो है K9 का। सो आप लोग वीडियो में बने रहेगा गाइस, मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ। सो गाइस, ये है हमारे क्लाइंट का बाल, बहुत ही हैना कोटेड हेयर है जिनके ऊपर हम आज बोटॉक्स ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम 3 बार क्लारिफाइंग शैम्पू करेंगे। 3 बार क्लारिफाइंग शैम्पू इसलिए करेंगे ताकि क्लाइंट का बालों का जो क्यूटिकल है वो स्वेल अप हो जाएगा। इसके बाद गाइस, हमें अच्छे से टॉवल ड्राई करना है। टॉवल ड्राई के बाद हमें बालों को 70% होकर ड्राई करना है और 70% ड्राई बालों में ही हमें प्रोडक्ट अप्लाई करना है। अभी बालों को हमने 70% ड्राई किया है और 70% ड्राई बालों में ही प्रोडक्ट्स हम सेक्शन बाय सेक्शन अप्लाई करने जा रहे हैं। और ये प्रोडक्ट्स बिल्कुल कैरेटिन जैसे ही अप्लाई करना है। जैसे हम कैरेटिन में अप्लाई करते हैं 1 इंच छोड़ के रूट्स में, तो बिल्कुल ऐसे ही 1 इंच छोड़ के हमें लेंथ पूरी लेंथ में डैप डैप करके अप्लाई करना है। इसके बाद मार्सिफाई करना है। अब गाइस, बिल्कुल ही जैसे कैरेटिन ट्रीटमेंट में हम अप्लाई करते हैं ऐसे ही अप्लाई करना है और ऐसे डैप डैप अप्लाई करके पूरे बालों में ही अच्छे से मर्सिफाई करना है। गाइस, ये जो प्रोडक्ट्स हम अप्लाई कर रहे हैं आजकल बहुत ही ट्रेंडिंग में है, K9 बोटॉक्स ट्रीटमेंट। और ये है ना मेहंदी वाले बालों में, है ना कोटेड हेयर में बहुत ही अच्छे से काम करते हैं। और आज की जो हमारे क्लाइंट हैं उनकी भी काफी हेना कोटेड हेयर है। और लास्ट में आप लोगों को गाइस रिजल्ट दिखेंगे, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। और बिल्कुल ऐसे ही सेक्शन बाय सेक्शन पूरे ऑल ओवर हेयर्स में हमें अप्लाई करना है और अच्छे से मर्सिफाई करना है। फिर हमें 40 to 45 मिनट्स वेट करना है। इसके बाद हमें फिर ड्राई करना है। अभी एक साइट में हमारा एप्लीकेशन कंप्लीट हो गया, अब हम दूसरी साइट में स्टार्ट करने जा रहे हैं। और बिल्कुल पहले जैसे हमने अप्लाई किया था ऐसे ही इसी सेक्शन में भी हमें इसी साइट में भी अप्लाई करना है। बिल्कुल डैप डैप करके कैरेटिन जैसे ही अप्लाई करना है और मर्सिफाई करना है अच्छे से। अभी हमारे 2 साइड्स का एप्लीकेशन हो गया अच्छे से, फिर अब हम फ्रंट साइड का एप्लीकेशन कर रहे हैं अच्छे से। पूरे बालों में बिल्कुल ऐसे ही अप्लाई करना है और अप्लाई करने के बाद हमें वेट करना है 45 मिनट्स तक। अब गाइस, हमारा एप्लीकेशन भी हो गया, अब हम वेट करेंगे 45 मिनट्स तक और इसके बाद हम ड्राई करेंगे 45 मिनट के बाद। पहले हम ठंडा ड्राई करेंगे, इसके बाद फिर मीडियम ड्राई करेंगे, फिर अच्छे से हम ब्रश से सेट करेंगे। और जितना अच्छा से ब्रश से सेट करेंगे इतना ही हमें फेसिन में अच्छा रिजल्ट आएगा। अब गाइस, हमने 45 मिनट तक वेट भी किया है, 45 मिनट तक हमने अप्लाई करके छोड़ दिया। अब मैम के बालों में हम ड्रायर करने जा रहे हैं।
सबसे पहले हम ठंडा ड्राई करेंगे, फिर मीडियम ड्राई करेंगे, इसके बाद फिर अच्छे से ब्रश से हम सेट कर देंगे। जितना हम अच्छे से सेट करेंगे ब्रश से, इतना ही अच्छा रिजल्ट आएगा फेसिंग में। गाइस बिल्कुल ही ऐसे हमें 100% तक ड्राई करना है बालों में, फिर इसके बाद हमें फ्रेशिंग करना है। गाइस हमें बोटॉक्स ट्रीटमेंट से ये बेनिफिट मिलेगा कि हमारे बाल सॉफ्ट, शाइन और सिल्की हो जाएगा और 50% तक बाल भी स्ट्रेट हो जाएगा। जैसे वर्जिन हेयर में रिजल्ट मिलते हैं, हमें हिना कोटेड हेयर में भी बिल्कुल ऐसे ही रिजल्ट मिलेगा, सॉफ्ट, शाइन और सिल्की और 50% तक भी बाल स्ट्रेट हो जाएगा। गाइस अब हमने अच्छे से मैम का बाल भी ड्रायर कर दिया, बिल्कुल सेक्शन बाय सेक्शन निकाल के बिल्कुल अच्छे से ब्रश से सेट कर दिया। अब हम करने जा रहे फ्रेशिंग मैम के बालों में। सिंस मैम का हेयर हेना कोटेड हेयर है, इसलिए हम फ्रेशिंग का टेम्परेचर रखेंगे 230 डिग्री, क्योंकि मैम का ऑलरेडी हेना कोटेड हेयर है। ऐसे हम वर्जिन हेयर में 210 नॉर्मल टेम्परेचर रखते हैं, बट मैम के बालों में 230 डिग्री से ही हम फ्रेशिंग करेंगे ऑल ओवर बालों में। गाइस फ्रेशिंग भी हमें ऐसे करना है, बिल्कुल जैसे केराटिन ट्रीटमेंट में हम करते हैं ऐसे ही करना है। एक सेक्शन में कम से कम 6 to 7 टाइम रिपीट करना है और ऐसे ही पूरे बालों में बिल्कुल फ्रेशिंग करना है। सो गाइस हमने फ्रेशिंग भी अच्छे से कर लिया है और फ्रेशिंग करने के बाद हमने अच्छे से बालों को ठंडा किया है। अब हम जा रहे हैं शैम्पू करने के लिए मैम के बालों में। सिंस ये सेम डे प्रोसेस है और सेम डे वॉश है, बिल्कुल हैंड टू हैंड वॉश होते हैं। अब मैम के बालों में हमें अच्छे से शैम्पू करना है और अच्छे से कंडीशनर करना है, इसके बाद 100% ड्राई करना है। अब इसके बाद हम रिजल्ट दिखाते हैं गाइस आप लोगों को। सो गाइस ये है हमारे फाइनल रिजल्ट हाँ के 9 बोटॉक्स ट्रीटमेंट का। कितना सॉफ्ट और शाइन हो रहा है गाइस, आप लोग देखिए कितने अच्छा लग रहे हैं बाल, कितना रिजल्ट अच्छा आया। सो गाइस आप हो, आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया और के 9 बोटॉक्स ट्रीटमेंट का रिजल्ट पसंद आया। अगर वीडियो को पसंद आया तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। बाय बाय एंड गुड नाइट, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग।